पीआरपी या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा आखिर ये क्या है और इसका किस किस कंडीशन में उपयोग होता है? घुटने दर्द में होता है, कार्टिलेज रीजनरेशन में होता है, टेंडन के पार्शियल टियर्स में होता है, लिगामेंट के पार्शियल टियर्स में होता है, ACL, PCL, मेनिस्कस के पार्शियल टियर्स में होता है। तो आखिर ये क्या चीज़ें, उसी पर डिस्कस करेंगे दोस्त। तो मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थोस्पोर्ट। पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, दोस्तों ये आप ही के ब्लड से बनता है। आपके ब्लड के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स और प्लेटलेट्स होते हैं जो चीज़ों को रीजनरेट करते हैं। कभी भी आपने देखा होगा कि जब आपकी कभी चमड़ी कटती है तो ब्लीडिंग होती है, ऊपर क्लॉट जम जाता है, जब क्लॉट हटता है तो नई चमड़ी वापस आ जाती है। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं जो रीजनरेट इनिशिएट कराते हैं। उन्हीं को सेपरेट करने के तरीकों को पीआरपी एक्सट्रैक्शन बोला जाता है। तो ये इस तरह की पीआरपी वायल्स आती है दोस्तों, जैसे ये पर्टिकुलर वायल ACP है, आर्थ्रेक्स कंपनी की है। तो ACP ऑटोलोगस कंडीशन प्लाज्मा वायल, इस वायल के अंदर अराउंड 15 ml आपका ब्लड डाला जाता है और इसको एक स्पेशल सेंट्रीफ्यूग चैम्बर में घुमाया जाता है। उससे क्या होता है कि वायल के ऊपर ब्लड इकट्ठा हो जाता है, उससे क्या होता है कि जो वायल का जो अपर पोर्शन है उसमें प्लाज्मा और प्लेटलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं पीआरपी, और नीचे इकट्ठे हो जाते हैं WBC और RBC। ये पीआरपी में दोस्तों बहुत सारी रीजनरेटिव प्रॉपर्टीज होती है जो आपके टिश्यूज़ को दोबारा रीजनरेट करती है। जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं, जैसे कि मैं ये देखूँ नी जॉइंट है, तो नी जॉइंट के ऊपर हमारे सैनुअल कवरिंग रहती है, एक कैप्सूल रहता है। नी जॉइंट के अंदर ब्लड नहीं होता, उसमें सैनुअल फ्लूइड होता है। कभी भी चोट लग जाती है तो नी जॉइंट की इंजरीज हील होना मुश्किल होती है, क्योंकि उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता तो हील नहीं होती है। तो पीआरपी काम आता है अगर आपके ACL, ये जो PGR लिगामेंट है, इसमें अगर पार्शियल टीयर हो, ग्रेड 1 टीयर हो, स्प्रेन हो, इडिमा हो, तो पीआरपी इसको हील कर देता है। उसी तरह से अगर जो PCL पीछे वाला लिगामेंट है उसमें अगर पार्शियल टीयर हो, ग्रेड 1 टीयर, इडिमा, स्ट्रेन, तो पीआरपी हील कर सकता है। MCL, LCL के पार्शियल टीयर में, पटेलर टेंडन के पार्शियल टीयर में, साथ साथ में अगर मेनिस्कस में ग्रेड 1 या 2 टीयर है तो भी पीआरपी उसको हील कर सकता है। अगर आपके घुटने में दर्द हो रहा है क्योंकि आपका कार्टिलेज घिस गया है, कार्टिलेज दोस्तों ऐसा होता है, ये आप एक हेल्दी नी का मॉडल देख रहे हो, इसके अंदर ये ब्लू रंग का जो चीज़ है वो कार्टिलेज है, ये बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल नहीं घिसा है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारा कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगता है। ये एक मॉडरेट ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा घिस गया है, इसमें नीचे हड्डी दिख रही है, और सीवियर होने पे इतना घिस जाता है, ज़्यादा हड्डी दिखने लगी, कार्टिलेज घिस गया। सो मॉडरेट ऑस्टियोआर्थराइटिस में या फिर कॉन्ड्रोमलेशिया के अंदर जिसमें कार्टिलेज सॉफ्ट हुआ है, उसमें पीआरपी कार्टिलेज को रीजनरेट करता है और आपके घुटने को वापस यंग बनाता है, आपको पेन ख़त्म करता है। पर अगर इस तरह की कंडीशन आ गई तो दोस्तों इसमें पीआरपी काम कम करता है, इसमें फिर हमें नी रिप्लेसमेंट के ऑप्शन की तरफ जाना पड़ता है। पीआरपी के और भी बहुत सारे यूज़ हैं, जैसे कि कंधे, अगर आपके कंधे में दर्द है, आपको रोटेटर कफ में टेंडिनाइटिस है, पार्शियल टियर है, रोटेटर कफ ये वाली एक मांसपेशी रहती है दोस्तों जो कंधे के हमें सराउंड करती है, अगर इसके अंदर पार्शियल टियर आता है, सुप्रास्पिनेटस टेंडन में पार्शियल टियर आता है, टेंडिनाइटिस आती है, तो भी पीआरपी के इंजेक्शन जब कंधे में देते हैं तो वो इस चीज़ को हील कर देता है। इसके अलावा बॉडी में और बहुत सारी जगह जहाँ पे पीआरपी दिया जाता है, जैसे कि टेनिस एल्बो में दिया जाता है, आपको एडी में दर्द हो रहा है, हील पेन में दिया जाता है, आपको रेट्रोकैल्केनियल पेन मतलब टेंडो एक्लिस में पेन हो रहा है, वहाँ दिया जाता है। तो जहाँ भी कहीं भी टेंडिनाइटिस या पार्शियल टियर हो रहा है वहाँ पे पीआरपी उसको बिल्कुल हील कर देता है। ऑर्थोपेडिक्स के अलावा और भी बहुत सारे ब्रांचेज में पीआरपी दिया जाता है, जैसे कि हेयर रीग्रोथ के लिए पीआरपी लगाते हैं लोग सर के अंदर, फेस को वापस यंग करने के लिए वैम्पायर फेशियल होता है तो वो आपके फेस में पीआरपी इंजेक्ट करते हैं। रिप्रोडक्टिव मेडिसिन के अंदर अगर किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, मुश्किल हो रहा है, तो उसके अंदर ओवरीज के अंदर पीआरपी दी जाती है जो ज़्यादा एग प्रोड्यूस करती है। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह की कोई भी इशू है, आपके कंधे में दर्द है, घुटने में दर्द है, आपके MRI में लिखा हुआ है पार्शियल MRI, पार्शियल ACLT, और आपके MRI में लिखा हुआ है, तो आप हमें अपना MRI भेजिए और मैं उसका डिटेल में स्टडी के बताऊंगा कि आखिर आपको किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्या हम आपको सर्जरी से बचा सकते हैं या सर्जरी ही आपका आखिरी ऑप्शन है।